हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में। आईपी यूनिवर्सिटी तरफ से कई सारे कोर्सेज का रिजल्ट जो है आज डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, कट ऑफ भी रिलीज कर दिए जाएंगे। शाम को 4 बजे रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ऐसा नोटिस था प्रीवियस, लेकिन अभी तक भी जो है आप वेबसाइट पर आप आ नहीं पा रहे हो, आपको काफ़ी सारा दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट आया है, आप सभी अपडेट को कैसे देख सकते हो और कि कौन सा कोर्सेज पे जो है सीट अभी भी वैकेंट है, ठीक है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सीटी रिजल्ट के बारे में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने काउंसलिंग किया था, जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया था, सेम प्रोसेस से आप जो है अपने सीट अलाटमेंट को आप देख सकते हो कि यह स्टेटस है। जब भी सीट अलाटमेंट स्टेटस आप देख लेते हो, अगर सीट अलाटमेंट हो गया है तो आप प्रोसीड करके फी पेमेंट कर देना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड पे जाओगे। स्पॉट काउंसलिंग का ऑप्शन होता है और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पे होता है, कुछ कुछ कोर्सेज का जो है ऑफलाइन पे होता है, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी आप सभी के लिए वीडियोस बनाया था तो आपने देखा ही होगा। एंड अब से आप सभी के लिए आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोज आएगा। आप चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप MBA कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, आप जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आपके पास जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस करो कमेंट बॉक्स में। मैं आप सभी के लिए हर एक क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा जो भी आपका आंसर चाहिए होगा, या तो मैं आपको हो सके तो मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में भी आंसर दे सकता हूँ, या तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कैसे, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, मैं एक कमेंट जो कीजिएगा उसमें जाके भी मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा क्वांटिटी पे कमेंट हो जाए तो वीडियो फॉर्मेट मुझे लाना रहेगा। एंड साथ में क्या करना है, देखो यहाँ पे जो भी अपडेट आता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो क्विक लिंक्स का ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्लर कर रहा हूँ, क्विक लिंक्स में आ जाओ एंड यहाँ पर नोटिस एंड सर्कुलर्स पर आप क्लिक करो। इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आप उस न्यूज़ इवेंट्स में कैसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो नोटिस एंड सर्कुलर्स में हम लोग आएंगे एंड आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स, मतलब जो इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए कुछ नोटिस है, कुछ काम का नहीं है उतना। एंड साथ में यहाँ पे वैकेंट सीट जो MBA पे वैकेंट सीट है क्या कुछ स्पॉट राउंड काउंसलिंग पे, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद बताया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम नेम के बारे में बताया गया है कितने वैकेंट है, ठीक है, तो इसको फिल किए जा सकते हैं। कौन सा, मतलब यहाँ पर टोटल 16 कॉलेज के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे सब कॉलेज का आप नाम देख लेना एंड सभी को देखने के बाद आप अपने हिसाब से जा सकते हो, ठीक है ना। तो एक किसके बेसिस पे था, एक कैट 2020, सीमेंट 2021 और CET जो एग्ज़ाम हुआ था आईपी यूनिवर्सिटी का खुद का, उसके बेसिस पे था, ठीक है ना। उसके अलावा भी अभी भी सीट जो है वैकेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा डिसीजंस UF मीटिंग और उसके अलावा भी और भी कई सारे मेरिट लिस्ट जो है PGDACM के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। कोई अगर नैनो टेक्नोलॉजी पे अपने एडमिशन को करना चाह रहा था, मतलब अभी भी सीट वैकेंट है, मैंने देखा कई सारे सीट्स बहुत ही कम, मतलब अगर 15 सीट है तो उसमें 3 या 4 स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लिए हैं एंड उसके अलावा भी और भी स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेना रहेगा, ठीक है ना। तो इसको भी जो है आप सभी एक बार देख लेना। हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले सीट्स यहाँ पे जितना भी सर अपडेट आता है, सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप कमेंट करो, मैं अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स मैं आगे वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है, और देखते हैं क्या अपडेट आता है आपसे। तो आप सभी के लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप अगर मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो और मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो आप सभी क्या करना, आप टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट दे सकते हो। कई सारे एग्जाम्स का मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देना, अगर अच्छा लगता है तब जाकर उसका जो परचेस है आप परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर दिस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।